the headshot with a glacier. He got one down. Shogun को बचाना मुश्किल लग रहा है. Gladiator के players खतरे में हैं. But Soul के पास position है. अब जब किसी के पास position होती है, then वो abuse जरूर करते हैं. और Soul के player एक-एक करके यहाँ पे Gladiator के player को मतलब बहुत परेशान कर चुके हैं उनको. Well, परेशानी तो अब सबकी काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है. लेकिन देखना होगा कौन सी टीम्स परेशानियों से लड़ती है, उनका डट कर सामना करती है, और कौन सी टीम्स उनके आगे अपने घुटने टेक देती हैं. फिलहाल ग्लैडिएटर्स काफी ज्यादा दिक्कतों में अब आ चुके हैं. डेल्टा पीजी नॉक्ड आउट द गॉब्लिन. नेड फेंकने के लिए आगे गए, बट बेट था वो बस एक डेस्ट्रो गॉब्लिन को टेक डाउन करते हुए. अभी भी अगर एलिमिनेट होंगे कुछ ज्यादा पोजिशन ही टॉप 5 टॉप 3 टॉप 4 में आना पड़ेगा, तब जाकर डिसेंट प्लेसमेंट मिलेंगे. अभी 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं उनके पास, 6 फिनिश पॉइंट्स हैं, और उनका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स भी थोड़े चाहिए. गोब्लिन शॉट्स लिए गए थे, वो काफी ज्यादा डैमेज डिश आउट किया. रियर जस्ट करेंगे बियर्ड बाबू के ऊपर, व्हीकल फोड़ के उनको नॉकडाउन किया है. रेकनिंग के अब बचे हैं 3 प्लेयर्स, और टीम सोल वर्सेज रेकनिंग की ये लड़ाई एक कंप्लीट 3v3 में तब्दील हो चुकी है. रिच के दूसरी तरफ बाकी के प्लेयर्स अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोब्लिन और अक्षत को ये लड़ाई मिलकर हैंडल करनी है, और उनको पता है कि कुछ भी करके बाकी के प्लेयर्स उनको बैकअप नहीं दे सके. It's them against the world. But Akshat, he got the first knock. But अभी भी 3 players जिंदा हैं, और तीनों players की जो बंदूकें इन 2 players को ढूंढ रही है. But एक नई team इस महफिल को join करते हुए, and that is VST. अब Soul को भी पता है कि किस time पे attack करें जब उनका दुश्मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा vulnerable होगा. But Sensei, he is taking the footstep. He is taking the information. एक player just नीचे, but Goblin with the M4, he got Sensei down. But कितनी देर तक ये खैर मनाएंगे? Apollo with the less HP. एक सिंगल क्लिक विद अ डीपीएस एंड ही इज डेड डाउन, डेड ओवर. ओह बॉय, आखिरी 2 टीमें टीम सोल वर्सेस ईएसटी. गोब्लिन फ्रंट लाइन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं. टीम सोल के पास अच्छी खासी एडवांटेज, और क्रैट जैसा आपने कहा था, टीम सोल इज ऑन अ रोल. लेकिन इस रोल को रोक दिया गया है अभी उन्हीं के ट्रैक्स में. देखते ही देखते अक्षत खुद को पाते एक 1v2 में हेक्टर के साथ. हेक्टर भी चलिए मौजूद है, लेकिन अक्षत को नॉकआउट किया जाएगा. हेक्टर इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, ब्रिंग्स इट डाउन टू अ 1v1. हेक्टर और सीक्रेट 04 के बीच में आखिरी लड़ाई, जिसके शॉट ज्यादा प्रिसाइज होंगे वो जीतेगा. दोनों प्लेयर्स ने डैमेज ट्रेड किया है, ब्लू जोन का हल्का सा डैमेज हेक्टर के ऊपर पड़ेगा, एंड ही डज मैनेज टू कनेक्ट दोस फाइनल फ्यू बुलेट्स.